नमस्कार दोस्तों, देखकर आपको लग रहा होगा जो इस विंडो से बाहर का जो दृश्य दिख रहा होगा, इससे आप इतना अंदाजा तो लगा चुके होंगे कि मैं इस वक्त पहाड़ में हूँ और पहाड़ी रास्ते में ड्राइविंग करते हुए एक हिल स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। दिल्ली में बहुत गर्मी है, उमस है, हालांकि बारिश भी हो रही है, लेकिन बारिश का मजा पहाड़ में है, हिल स्टेशन में है। जंगल और पहाड़ियां और उसके बीच बादल, और सामने ये जो हमारे सहयोगी है दिखाएंगे दृश्य, एकदम ऊपर पहाड़ पर बादल ही बादल है, पेड़ों के ऊपर बादल, और जिस तरफ हम जा रहे हैं जहां वहां हमें पता है कि बादलों से हमारी मुलाकात होनी है, बीच में बादल बरसेंगे भी। और हम लोग अभी हैं हल्द्वानी से भीमताल के रास्ते में, भीमताल में रुकेंगे, नैनीताल भी जाएंगे, रामगढ़ और मुक्तेश्वर भी जाएंगे। कहां कब रुकेंगे, कब लौटेंगे मुझे खुद नहीं पता, हमारे दो सहयोगी साथी मित्र साथ में, और रामगढ़ में एक अमरीश कुमार हैं, पत्रकार हैं, उनके यहां भी जाएंगे। और बहुत दिनों बाद, मुझे लगता है 8-10 महीने बाद मैं इधर आया, और मुझे हमेशा बारिश में पहाड़ बहुत खींचता है, क्योंकि गर्मी में हिल स्टेशन पर भीड़ होती है, हजारों लाखों लोग, इतने लोग आ जाते हैं कि गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं होती है। नैनीताल और शिमला में तो बोर्ड लग जाता है कि आपकी होटल बुकिंग नहीं है तो यहाँ नहीं आई है, नो एंट्री जैसा। तो मैं कोशिश करता हूँ गर्मियों की उस भीड़ से अलग हटके जुलाई के आखिर में अगस्त महीने में आऊं, जब ट्रैफिक कम होता है, लोग कम आते हैं, लेकिन पहाड़ में हरियाली चारों तरफ, एकदम लश ग्रीन जिसको कहते हैं, वो दिख रहा है। और जहां भी आप ठहरेंगे, अगर ठहरते हैं कभी पहाड़ में आते हैं, अगर थोड़ी ऊंचाई पर आपका अगर ठहरने का इंतजाम हो, होटल गेस्ट हाउस जो भी है, तो कमरे की खिड़की खोलेंगे और बादलों के गुच्छे आपके कमरे में दाखिल हो जाएंगे खिड़की दरवाजे से। शायद हम ऐसी जगह रुकने भी जा रहे हैं। और मेरा एक अजीत अंजुम व्लॉग करके एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो राजनीतिक खबरों के लिए, देश दुनिया की खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल पहले से है, जिसके आप दर्शक हैं। लेकिन खबरों से इतर जिंदगी के कई रंग होते हैं, कई पहलू होते हैं, जो कई बार मैंने कहा है। और हर इंसान, एक मेरा बहुत पसंदीदा शेर है जिसका जिक्र मैं अक्सर करता हूँ, निदा फाजली का शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो आदमी के अलग अलग रंग रूप होते हैं। तो मैं आज यहां अगर हूं, आज कल परसों, जब भी 2-3 दिन जितने दिन भी रुकूंगा, तो मैं एक सिर्फ पत्रकार के तौर पर नहीं, पत्रकार तो मेरा पेशा है पत्रकारिता, लेकिन एक आदमी के अलग अलग रूप होते हैं। मैं एक टूरिस्ट की तरह से एक प्रकृति को ऑब्जर्व करने के लिए, जो एक उस नजरिए के साथ और एक आनंद की अनुभूति के लिए आया हूं। हो सकता है खबरों से मैं दूर रहूं या उतनी खबरें ना देख पाऊं, कोशिश भी करूंगा, क्योंकि बहुत तरह की जो निगेटिविटी होती है, बहुत तरह की बेचैनियां होती है, उन बेचैनियों से बाहर निकलकर कई बार आप प्रकृति के का साक्षात्कार करना चाहते हैं। आप देखिए, एक बार फिर मैं कहूंगा, सामने की तस्वीर दिखाओ, धर्मवीर ये हमारे चालक है, इनको हमने उधर बिठा दिया है, और आप अपने विंडो से राइट में भी दिखाओ, एकदम चारों तरफ बादल बादल बादल, और जगह जगह भुट्टे बेचने वाले हैं। अब ये बादल की तस्वीर देखिए, अब साइड में थोड़ा सा दृश्य देखिए, अब ये आपको कुछ नहीं दिखेगा, देखिए ये देखिए, खिड़की से बाहर दिखाइए, उधर धर्मवीर अपने बाएं देखिए, उस खिड़की से विंडो खोलिए, हाँ अब देखिए ये बाहर की तस्वीर है, बादल ही बादल, कुछ टूरिस्ट है, कुछ लड़के हैं, कुछ बाइकर्स हैं, और ये देखिए यहाँ पे जैसे भुट्टा बिक रहा है, ये पहाड़ की खूबसूरती के बीच 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 में भुट्टा बेचने वाले आपको मिलेंगे, और ऐसे भुट्टा खाने वाले, पहाड़ी भुट्टा का भी अलग मजा होता है। अब इधर आप सामने की तरफ बहरहाल, तो गर्मी की उबन, खबरों में जो कुछ होता है उससे कभी मुक्त होकर, फुर्सत होकर, फुर्सत निकालकर, तो अभी मैं आया हूँ, और ये मेरे, आप जो मेरा नया अजीत अंजुम ब्लॉग है उस पर ये वीडियो डालूंगा, और उस वीडियो में मैंने पहले भी कहा है, जो देखूंगा वो दिखाऊंगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग का खेल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स, वो सब नहीं, मैं एकदम नेचुरल रफ कट की तरह अपनी यात्राओं का रफ कट वीडियो आपको दिखाऊंगा। और यही मैंने कई बार सोचा है कि हर जगह की कुछ पहचान भी होती है, खाने पीने को लेकर कुछ वहाँ की प्रसिद्ध ठिकाने होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट होते हैं, कुछ चौक चौराहे होते हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये लगातार ये सिलसिला मैं चाहता हूँ कि मैं दिखाता रहूँ,
और कुछ साथी मेरे नाराज होते हैं जब ऐसे वीडियो फेसबुक पर डालता हूँ, ये भी कहते हैं कि आपको तो मैंने खबरों के लिए सब्सक्राइब किया है, आप ये सब क्या दिखाते रहते हैं खान पान, क्योंकि पान का एक वीडियो मैंने जयपुर का डाला था। तो भाई साहब आप भी इंसान हैं, कहीं नौकरी भी करते होंगे, कुछ भी पेशा होगा आपका, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा वही काम करते होंगे, फैक्ट्री में काम करते हैं चाहे ऑफिस में काम करते हैं, आप उस काम से वक्त निकालकर कुछ और जिंदगी के अलग अलग आयाम को भी इंजॉय करते हैं। कोई गाना सुनता है, कोई म्यूजिक सुनता है, कोई ट्रैवल करता है, कोई ड्राइविंग करता है। जैसे ड्राइविंग मेरी हॉबी है, और ये बात बताऊं पहाड़ पर ड्राइविंग करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे साथ अगर चालक आता भी है तो हल्द्वानी तक, अगर मैं इधर आता हूँ नैनीताल की तरफ तो हल्द्वानी के बाद मैं कोशिश करता हूँ खुद ड्राइव करूँ, अगर उधर जाता हूँ मसूरी की तरफ तो देहरादून से मैं ड्राइव करता हूँ। और पहाड़ में ड्राइविंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हाँ ड्राइविंग के वक्त सतर्कता बहुत जरूरी है, जो कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि बहुत सर्पीले रास्ते होते हैं और सर्पीले रास्तों पर कौन कब कहां से आ जाए पता नहीं चलता है, डेड एंड कई बार ऐसा मोड़ होता है, कई बार कोई रोड एकदम डेड एंड की तरह आपको पता नहीं चलेगा रोड यहाँ खत्म हो रही है सड़क, तभी एक नीचे से दूसरी सड़क या दूसरा रास्ता जा रहा है। तो सावधानी और सतर्कता के साथ पहाड़ में चलते चलाते हुए, जब मैंने वीडियो शुरू किया था जो भी 5-7 मिनट हुआ तो थोड़ी रोशनी थी, बादलों के बीच से सूरज झांक रहा था, अब सूरज के ऊपर बादल ने आवरण चढ़ा दिया है, ढक गया है सूरज, और सड़क पर ये बादलों का धुंध, धुंध के शक्ल में बादल कह सकते हैं, बादलों के गुच्छे सड़क पर आपको दिखेंगे और अब सूरज बादलों के पीछे है, हो सकता है बारिश हो। मैंने दिल्ली से चलते वक्त प्रेडिक्शन देखा था वेदर का, तो आज और कल बताया गया कि हल्की धूप ज्यादातर बारिश, अब मुझे लगता है देखते हैं। भीमताल में मेरी मुलाकात सिर्फ बादलों से होती है, थोड़ी धूप भी। अब देखिए, अब ये देखिए, ये सामने की तस्वीर देखिए, ऐसा लगेगा जैसे अगर दिल्ली में फॉग का सामना आपका हुआ हो फॉग से, तो जो देखिए अब हेडलाइट जलाने का वक्त आ गया। दिल्ली में क्या होता है दिसंबर जनवरी में खास तौर से इतनी धुंध कोहरा होता है कि सड़क नहीं दिखती है, लेकिन ये धुंध नहीं है, कोहरा नहीं है दिल्ली की सर्दी वाला, ये बादल है, और ये बादल अब सड़कों पर उतर आए, ऊंची पहाड़ियों से अब सड़कों पर उतर आए, जहां मैं जाऊंगा उम्मीद है हमारी खिड़कियों से भी ये बादल दाखिल होंगे। और फिलहाल अब सफर पर 3 दिन रहेंगे। आपने मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अजीत अंजुम व्लॉग, तो सब्सक्राइब जरूर करें, कुछ मित्रों से मुलाकात और कुछ भी। तो खत्म करें क्या धर्मवीर जी, और कुछ बोलना है? तो अब चूंकि ड्राइविंग पे भी फोकस करना है और सड़क दिखनी बहुत कम हो गई है, तो पूरा फोकस अब मेरा ड्राइविंग पे है, इसलिए इस वीडियो को अब यहाँ फिलहाल विराम देते हुए हमारी आपकी मुलाकात अगले 2-3 दिनों तक इसी इलाके में अलग अलग जगहों से होती रहेगी। जिंदगी का मजा मैं भी लूंगा, वीडियो देखकर आप भी मजा लीजिए, और कोसिए मत कि मैं पत्रकार हूं तो 24 घंटे सिर्फ पत्रकार रहूं और उन्हीं खबरों में डूबा रहूं, ऐसा होता नहीं है। और जब ऐसा कोई हो जाए तो वो इंसान नहीं रह जाएगा, इंसान को प्रकृति, गाने, खाने, यात्राएं, सब चीज से मोहब्बत होनी चाहिए, और तभी मुकम्मल अनुभव भी होता है। तो ये अनुभव लेने, अब देखिए दो लोग हैं, ये कोई कपल है शायद, प्रेमी जोड़े बादलों में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, हेडलाइट आगे से आने वाली गाड़ियों की हेडलाइट जली है, 10 की स्पीड से 15 की स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो फिलहाल धर्मवीर जी इसको बंद किया जाए, और यहाँ से भीमताल 7 किलोमीटर दिख रहा है, उसके बाद वहां से कुछ दूर नैनीताल, फिर आगे रामगढ़। नमस्कार।